हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। अगर आप 100 करोड़ चुके हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं बिहार और इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी वो खबरें जो हमेशा रहती हैं टॉप पर, हर दिन आ जाती हैं टॉप पर, जिन खबरों से आप हैं बेखबर, उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर हाजिर हैं इंडस्ट्री और बिहार से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। तो उन खबरों पर जल्दी से डाल लीजिए एक नज़र। देखिए, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि कभी उनकी किसी नई फिल्म के सेट से लड़ाई करती हुई तस्वीर सामने आती है, तो कभी किसी अनजानी लड़की से रोमांस फरमाते नज़र आते हैं। हाल ही में पवन सिंह की बॉस फिल्म के सेट से एक तस्वीर आई थी जिसमें वो एक्शन करते नज़र आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ पवन कुछ दिनों बाद हीरोइन अर्शिया के साथ अलग अंदाज में नजर आए। लेकिन अब पवन ने नई फिल्म की शूटिंग नए सिरे और अंदाज से शुरू की है। इस फिल्म का नाम है क्रैक फाइटर। रांची में इस फिल्म के सेट से संचिता के साथ पवन की ऐसी पहली तस्वीर देखने को मिली है जिसमें पवन सिंह संचिता के कंधों पर हाथ रखते हुए नजर आए और मुस्कुराती हुई दिखाई दी संचिता बनर्जी। मतलब तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे एक पूरा मिला जुला परिवार एक ही फ्रेम में आया हो। वेल, हमें तो ये पहली तस्वीर बड़ी ही दिलचस्प लगी है। और आपको नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म की जुबली जोड़ी की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर मचाया था खूब धमाल। इसके बाद दोनों दिखाई दिए भोजपुरी BIPL क्रिकेट लीग में, लेकिन इसके तुरंत बाद दोनों की एक तस्वीर मिली है फिल्म के सेट से। यानी वीकेंड एंजॉय करने के बाद ये जोड़ी वापस से लौट चुकी है अपने काम पर और शुरू कर दी है एक और नई फिल्म की शूटिंग। ये फिल्म नई नहीं है क्योंकि इसके पहले शेड्यूल की शूटिंग ये दोनों काफ़ी सालों पहले कर चुके हैं। इस फिल्म का नाम है गबरू, जिसके पहले दिन के शुरुआत से ही एक खबर आप लोगों के बीच आ रही होगी कि निरहुआ इस फिल्म में शेर से, वो भी असली शेर से लड़ते नजर आएंगे। साथ ही आम्रपाली भी इस फिल्म में शेर से लड़ती हुई नजर आएंगी। अब उसी गबरू फिल्म की शूटिंग, सेकेंड शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है दोनों ने दोबारा। उम्मीद है जल्द ही फिल्म बनकर तैयार होगी और आप लोगों के बीच भी होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ हम आम्रपाली के लुक से भी जुड़ी एक खास खबर आपको बताने आए हैं। अगर आप आम्रपाली की एक साल पुरानी या कुछ ही महीनों की पहले की तस्वीर को आज से कंपेयर करें तो आप आम्रपाली को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आम्रपाली दुबे ने अपने ऊपर लगातार इतना काम किया है कि उन्होंने अपना पूरा वेट, ओवरवेट कम कर लिया है और लौट चुकी हैं अपने पुराने अवतार में। स्लिम ड्रीम आम्रपाली अब नए किरदार से लोगों को कैसे रिझाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा जब रिलीज होगी फिल्म गबरू। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले ही भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर रजनीश मिश्रा और अनंजय रघुराज एक फिल्म बनाने की बात करते नजर आए थे जिसका नाम था गंगा किनारे मोरगांव पार्ट 2। इस फिल्म का मुहूर्त लेकिन कोई और करता हुआ नजर आया, वो भी इन दोनों डायरेक्टर्स से पहले। बीते दिन पहले मुंबई में ही संगीतमय मुहूर्त पूजा अर्चना कर पूरा कर लिया गया। तो फिल्म के डायरेक्टर से हम पहले आपको मिलवाना चाहेंगे, उसके बाद हम इस फिल्म पर और भी गौर से आपको कुछ दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल, गंगा किनारे मोरगांव एक ऐसी फिल्म थी जो कि हर बिहारियों के, हर यूपी वासियों के दिल के करीब फिल्म थी। शायद ही कोई ऐसा यूपी बिहार का व्यक्ति होगा, शायद ही कोई इंसान होगा जिसने इस फिल्म को ना देखा होगा। और सबकी यही तमन्ना थी कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी कि गंगा किनारे मोरगांव 2 बनना चाहिए। और चूंकि मेरे बाबूजी इस फिल्म के हिस्सा थे, मेरे बाबूजी की पहली फिल्म थी गंगा किनारे मोरगांव और एक डायमंड जुबली फिल्म थी। आपको जान के खुशी होगी ये एक ऐसी फिल्म थी जो कंटिन्यू अप्सरा सिनेमा हॉल पटना में 1 साल तक लगी रही थी और मुंबई में ही ग्रांट रोड में एक सिनेमा हॉल था मिनर्वा सिनेमा में लगातार 25 वीक तक पहली भोजपुरी फिल्म थी जो यहाँ चली थी। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या आज पूरा बिहार बहुत खुश है, सारा भोजपुरी समाज खुश है कि उस महान फिल्म का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है और हम सब उसके गवाह बने हैं। और मैं इसके लिए तमाम लोगों को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यश भाई को धन्यवाद देता हूँ, रोशन जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारा छोटा भाई सुमित चंद्रवंशी इसको धन्यवाद देता हूँ। और ये सब लोग दोबारा इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। और मैं तमाम अपने दर्शकों को बोलता हूँ कि जो आजकल वो बहुत निराश दिख रहे हैं, सबसे पहले तो टाइटल इतना प्यारा है कि लोगों के मन से ये बात ही ख़त्म हो जाएगा जो आज बात हो रही है कि एक टाइटल हमारा अच्छा नहीं होता, फिल्में असली बन रही हैं। तो इस टाइटल के माध्यम से ये पहल है भोजपुरी समाज में, भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी दर्शकों।
अब संगीत में मुहूर्त हुआ हो और इंडस्ट्री के सिंगर ही ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए हम आपको अब इंडस्ट्री के सिंगर मोहन राठौर से मिलवाते हैं, जिन्होंने क्या कहा है इस फिल्म पर, आइए जानते हैं। जाते जाते बता दें कि गंगा किनारे मोर गांव सालों पहले एक पारिवारिक फिल्म थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था और 50वें सप्ताह तक ये फिल्म सिनेमाघरों में चलती रही थी। इस फिल्म के हीरो थे इंडस्ट्री के महानायक कुणाल सिंह। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक दौर ऐसा था जब डायरेक्टर्स द्वारा मोटी या हेवी वेट वाली हीरोइनों को फिल्मों में चुना जाता था। समय के हिसाब से इंडस्ट्री की हीरोइनों ने भी खुद में बदलाव किए। रानी चटर्जी ने अपना वेट बहुत ज़्यादा कर लिया। रानी चटर्जी के बाद ही इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें भी अपना वेट बढ़ाने लगीं, लेकिन जब बारी आई इसे कम करने की तो सबसे आगे निकली आम्रपाली दुबे। आम्रपाली को आप लोग बदले अवतार में कई बार देख चुके होंगे, लेकिन रानी चटर्जी भी पहले जैसा लुक पाने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट या इंस्टा पर शेयर करते हैं तो देखा होगा आपने कि हमेशा वो अपने जिम की तस्वीरें लोगों के बीच शेयर करती रहती हैं। लेकिन आखिर रानी को अचानक से क्यों इतनी मेहनत की ज़रूरत पड़ गई, ये बात हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही है कि उन्हें किसकी बात का बुरा लगा है, आप भी सुनिए ध्यान से। मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पेज पे तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ एक्चुअली। वैसे ताने सुन के भी बहुत थक गई हूँ। बात तानों की नहीं थी, बात ये था कि कुछ चेंज ओवर नहीं आ रही थी चीज़ें ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा था कि बस एक ही रूटीन पे हर चीज़ चल रही है और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से टॉपिक निकली इस बात को लेके तो मुझे ऐसा कुछ कहा गया है जो मुझे बड़ा बुरा लगा। मतलब लोगों ने ऐसा कहा कि मैं हो ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकती या तो मैंने कहा ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो मैं नहीं कर सकती। तो मतलब ये घर वालों की बात में ज़्यादा घर हैं और दोस्त हैं। अच्छा, वैसे खैर आप जब वजन कम हो रहा है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सबसे पहली चीज़ जो चेंज हुई लाइफ से जो नेगेटिविटी जो होती है ना, ये मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी से ना नेगेटिविटी पूरा ख़त्म कर देता है। हम बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं। मैं सिर्फ वर्कआउट के अलावा मैं और भी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जिसमें मुझे सिर्फ पॉजिटिव लगता है। ऐसा लगता है वाह, मतलब ऐसा वाला। मैं चाहती हूँ कि ना मैं इस बारे में उस दिन सबसे ज़्यादा बात करूँ जिस दिन मैंने जो टारगेट शुरू किया है उस टारगेट पर पहुँच जाऊँ। टुनाइट न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चाओं में हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद चिंटू इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर सोनू खत्री के साथ काम जो कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि सोनू खत्री इससे पहले निरहुआ चलल लंदन की शूटिंग भी निरहुआ आम्रपाली के साथ कर चुके हैं। चिंटू इन दिनों शिवान में प्रेम गीत फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग कई अलग अलग लोकेशंस पर होनी है। फिलहाल सिवान से शुरुआत हुई है, फिर नेपाल में शूट की जाएगी, उसके बाद मलेशिया और स्विट्जरलैंड जैसे लोकेशंस पर भी इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग होनी है। जानकारी के लिए बता दें कि चिंटू के इस फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर और चिंटू के अपोजिट नजर आएंगी यामिनी सिंह, जिन्होंने कल्लू के साथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया और आते ही यामिनी को मिलने लग गई कई सारी फिल्में। जाते जाते बता दें कि चिंटू के अलावा यामिनी सिंह कल्लू के साथ फिल्म पत्थर के सनम, उसके बाद पवन सिंह के साथ शपथ और निरहुआ के साथ लल्लू की लैला फिल्म में भी नजर आएंगी। सिर्फ एक ही स्टार बचे हैं, वो है खेसारी, जिनके साथ यामिनी तो काम करना चाहती हैं लेकिन उन्हें खेसारी का मौका देते हैं इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल चिंटू का एक इंटरव्यू प्रेम गीत के सेट से ही सामने आया है जिसमें चिंटू भी कल्लू की तरह ही यामिनी सिंह की तारीफ करते नजर आए हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो आज के टॉप न्यूज में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको काफी सारी जानकारी जरूर मिली होगी। अगले प्रोग्राम में लेकर हाजिर होंगे ऐसे ही उन खबरों को जिनसे आप बिल्कुल बेखबर होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।